जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास टेंथ का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 12.1 कर चुके हैं पूरा बेटा, प्रश्नावली 12.2 करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी पढ़ सकें। तो आ जाओ बेटा, देखते हैं प्रश्नावली 12.2 और एक एक क्वेश्चन लगाएंगे। तो पेन कॉपी लेके बेटा एक एक क्वेश्चन लगाना आप लोग भी शुरू कर दो साथ में ही, क्योंकि एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है। तो चलो बेटा क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं प्रश्नावली 12.2 का, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है देखें बेटा, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? ठीक है बेटा, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बेटा दिया है कि एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है बेटा बराबर, बोला है बाबू संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा, तो क्या यह सही है कारण या सत्य है या असत्य है? तो बेटा ये पहला जो होगा यह असत्य होगा। आप लोगों को लग रहा होगा सत्य है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, ये केवल लघु वृत्तखंड के लिए ही लागू होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा बेटा यह केवल किसके लिए लागू होगा? लघु वृत्तखंड के लिए। यह केवल किसके लिए बेटा? लघु वृत्तखंड के लिए, वृत्तखंड के लिए लागू होगा। ठीक है बेटा, ना कि दीर्घ वृत्तखंड के लिए। तो पहला क्या होगा? असत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि यदि त्रिज्या आर वाले वृत्त के चाप की लंबाई त्रिज्या 2R वाले वृत्त के चाप की लंबाई के बराबर हो तो पहले वृत्त की संगत त्रिज्यखंड का कोण दूसरे वृत्त के संगत त्रिज्यखंड का कोण का दुगना होता है। यह कथन क्या है बेटा? बोला है कि यह कथन असत्य है। क्यों बेटा? असत्य है। तो क्या होगा? दूसरा वाला भी असत्य होगा। क्यों बेटा? क्योंकि दिया गया कथन सत्य है। दिया गया कथन जो दिया बेटा वो क्या है? सत्य है। इसलिए दूसरा क्वेश्चन भी क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, आ जाओ तीसरे पे बेटा। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि दो भिन्न वृत्तों के बराबर लंबाई वाले चापों के संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। क्या यह कथन सत्य है? नहीं बेटा, यह केवल एक ही वृत्त के अगर त्रिज्यखंड रहेंगे तब रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो यह भी क्या हो जाएगा बेटा? असत्य। क्या होगा बेटा? तीसरा भी हो जाएगा असत्य। क्यों बेटा? यह एक ही वृत्त के लिए, एक ही वृत्त के त्रिज्य खंड के लिए लागू होगा। ठीक है बाबू, ना कि अलग अलग वृत्त के लिए। ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा कि दो भिन्न वृत्तों के त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल बराबर हैं, क्या यह आवश्यक है इन त्रिज्यखंडों के चापों की लंबाई बराबर होगी? तो क्या होगा बेटा? यह भी असत्य होगा। यह भी केवल बेटा एक ही वृत्तखंड के चापों के लिए लागू हो सकता है। ठीक है, यह भी क्या होगा? यह भी असत्य होगा। एक ही वृत्त क्या बोला? त्रिज्यखंड बोला ना बेटा, त्रिज्यखंड के, एक ही वृत्त के त्रिज्य खंड के लिए क्या होगा? लागू होगा। ठीक है बाबू, आए समझ में? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है भाई बेटा? 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्या यह कथन सत्य है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है? यह कथन सत्य, एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। तो बेटा यह भी असत्य है। क्या होगा? यह भी
असत्य होगा। क्यों बेटा? क्योंकि यह केवल लघु वृत्तखंड के लिए लागू होगा। किसके लिए बेटा? यह केवल लघु वृत्तखंड के लिए, लघु वृत्तखंड के लिए, खंड के लिए लागू होगा। ठीक है बेटा, के लिए लागू होगा। क्यों? क्योंकि बेटा बड़ा वृत्त रहेगा तो उसका वृत्तखंड भी बड़ा होगा। ठीक है, हो सकता है त्रिज्यखंड उसका जो छोटा हो जाए। ठीक है, आ जाओ। क्या बोला बेटा कि यह कहना सत्य है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। आ जाओ बेटा पांचवा, क्या यह कहना सत्य है वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है? तो हो गया ना बेटा छठवां, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है बेटा 60 डिग्री है। तो इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लो, पांचवा तक नोट कर लो बेटा, छठवें हम चल रहे हैं। ठीक है, सब के सब क्या है इसमें असत्य दिया है। आ जाओ बेटा इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर छठवा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां से हम लोगों को लगाना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बाबू, आ जाओ देखते हैं कि 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है बेटा 60 डिग्री है। तो छठवें का पहला दिया है बेटा, त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना दिया है बेटा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आर बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है, थीटा बराबर कितना दिया है बेटा 60 अंश। ठीक है, तो क्या पूछा है बाबू, इसमें पूछा है त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बेटा क्या निकालना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे लाल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है बेटा। तो थीटा का मान 60 है बटे 360 और पाई का मान 22 बटे 7 आर स्क्वायर, मतलब 6 × 6 यही होगा बेटा। तो यहां से करोगे 0 से 0 छछवक 36, 6 से 6 कैंसिल, तो बाबू 22 × 6 = 132 हो जाएगा बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा क्षेत्रफल। इसमें एक क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा मेरे लाल, दूसरा कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 45 अंश है। आर बराबर दिया है बेटा 28 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दिया है 45, यही है, यहां पे लिख लो। आर बराबर क्या दिया बेटा, आर बराबर 28 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 45 अंश हो जाएगा बेटा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा देखना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बेटा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान बेटा 45 बटे 360 और पाई का मान 22 बटे 7 आर स्क्वायर, आर का वैल्यू बेटा 28 है तो आर स्क्वायर है, तो दो बार लिखेंगे 28 × 28। ठीक है बेटा, यहां से करोगे 45 × 90 × 180 × 360, मतलब 45 × 360 हो जाएगा बेटा, 7 × 4 = 28, 4 × 2 = 8 और 2 × 2 = 28 हो जाएगा 22 × 14, 14 × 2 = 28, 14 × 28 = 30 हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा इसका आंसर। तो आप लोग दोनों नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना 6 था, 6 का पहला और दूसरा, तो आप लोग इतना कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें का पहला दूसरा हो गया, देखेंगे क्वेश्चन नंबर बेटा सातवां। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर सातवां देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सातवां कह रहा बेटा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बेटा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, क्वेश्चन नंबर 7, इसको मिटा रहे हैं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि कितनी बेटा 22 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा परिधि दिया है, क्या दिया है परिधि 22 सेंटीमीटर। बेटा परिधि क्या होता है 2 पाई आर बराबर हो गया 22 सेंटीमीटर,
चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है बेटा, क्या पूछा है? चतुर्थांश का। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे दो, यही होता है बेटा। तो पाई आर स्क्वायर बटे दो होता है बेटा, तो दो का मान दो, पाई का मान 22/7, आर पता हो जाए हमारा काम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा देखना, यहां से आर बराबर होगा 22, ये बेटा बटे में तो ऊपर जाएगा 7, बटे 2 × 22 हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, आर बराबर आ जाएगा 7/2। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर बटे 4, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान 7/2 है बेटा, तो 7/2 × 7/2 और सबके बटे 4 है, इसके बटे 1 कर देंगे ऊपर जाएगा, तो 22 × 7 × 7 बटे 22/7 था बेटा, 7 × 2 × 2 और बटे में 4 भी रहेगा, ठीक है बेटा। इतना कर लोगे आप लोग, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 7 से 7 कैंसिल, और क्या बेटा 2 से 11 × 2 = 22, 11 × 77 = 8, तो 8 × 9 = 72, 9 दशमलव कुछ आएगा लगभग बेटा, गुणा कर देना, 8 × 9 = 72, 5 × 77 और 8 × 6 = 48, 9.625 cm² के करीब कुछ आएगा बेटा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा? एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। बेटा यह एक घड़ी है, मान लेना यह एक गोलाकार घड़ी है, ठीक है। यहां पे 12 बज रहे हैं, यहां पे 6, यहां पे 9, यहां पे 3, यहां पे बेटा इसका केंद्र है, और ये सुई मिनट वाली है बाबू। तो मिनट वाली सुई ए है, ये क्या काम करेगा? त्रिज्या का, आर का काम करेगा, ठीक है। तो एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या जो आर बराबर हो जाएगा बेटा 14 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा बाबू? इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा 5 मिनट में कितना, यहाँ पे 12 बज रहा है, तो यहाँ पे 1 बचेगा बजेगा, यहाँ पे 2 बजेगा, और यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 रहता है, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, घड़ी लग रहा है तिरछा होगा चलेगा। 5 मिनट बेटा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई यहां से यहां तक आएगा, तो इतने देर में कितना क्षेत्रफल रचेगा? रचित क्षेत्रफल, तो मतलब यही क्षेत्रफल होगा जो कवर करेगा, तो इतना बताना है, ठीक है, कितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है। तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर बेटा, और यह बन रहा है एक त्रिज्यखंड, क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr², तो मतलब थीटा पता होना चाहिए। तो बाबू ये सुई देखो, मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना 360 डिग्री घूमता है, यहां से चलेगा ऐसे चलते चलते यहां पे आ जाएगा, तो 60 मिनट में कितना, मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमता है बेटा? 360 डिग्री। तो 60 मिनट में कितना घूमेगा बेटा? 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर कितना होगा बेटा? 1 मिनट बराबर हो जाएगा बेटा 360/60, 0066/36, 6 डिग्री, ठीक है बाबू। तो 5 मिनट में कितना घूमेगा? 5 मिनट बराबर 6 × 5 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा बेटा, थीटा बराबर 30 डिग्री, कितना घूमेगा मिनट वाली सुई 5 मिनट में? 30 डिग्री। तो उसका क्षेत्रफल निकालना, तो बचेगा बेटा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यही पूछा ना बाबू, तो क्या बोला है? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? रचित क्षेत्रफल हो जाएगा कि यह एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनेगा, ठीक है बेटा। तो क्या बनेगा बेटा? यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। क्या होगा? θ/360 × πr² थीटा कितना है बेटा? 30 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है बेटा,
आर की वैल्यू कितना है 14 है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 14 × 14, तो 0 0 गया और 3 9 कितना होगा बेटा 12 3 36 12 होगा, ठीक है। और यहां से बेटा 7 2 14 और कुछ होगा, हाँ 2 6 12 और 3 2 6 7 2 14 22 7 154 बटे 3 cm². ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर, किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया खत्म, तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, तो चलो लगाओ क्वेश्चन नंबर 9। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संगत चाप की लंबाई 3.5 है। बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, r बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, r बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, और क्या बोला है बेटा 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। चाप की लंबाई दिया है बेटा, चाप की लंबाई कितना दिया है बेटा, चाप की लंबाई दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू, चाप की लंबाई आप लोगों को दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई दिया बेटा 3.5 सेंटीमीटर। बाबू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, देखना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही हमको निकालना बेटा, आर पता है थीटा नहीं पता है, और थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो हम एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर एक ब्रेकेट में कर लेते हैं बेटा, और आर को एक ब्रेकेट में अलग कर लेंगे, ठीक है इतना कर में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि r का गुणा r में होगा r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू चाप की लंबाई कितनी होती है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई r बराबर 3.5 बेटा, 2 गुणे में इधर जाएगा बटे में, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई r बराबर 3.5/2, ठीक है बाबू इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। यहां से बेटा इसका मान यहां पे उठा के रख दो, तो लिखना समीकरण 1 से, तो देखना बाबू क्या होगा इसका, थीटा बटे 360 पाई आर का मान है 3.5/2, 3.5/2, और आर का वैल्यू कितना बेटा 5, ठीक है तो 5 × 25 5 × 15 2 17.5/2। अब बाबू 17.5 में जब 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा लगभग 8.75, हो जाएगा 8.75 cm² इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 8.75 cm², ठीक है। यह भी क्वेश्चन हो गया, नौवां भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो चलते हैं बेटा 10वें नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बाबू कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, बेटा एक घास का मैदान दिया है और कैसा है वर्गाकार है जिसकी भुजा कितना है 15 सेंटीमीटर। बेटा एक वर्गाकार घास का मैदान है, ऐसे कुछ होगा वर्ग, वर्ग के आकार का होगा आयत मत समझ लेना, ठीक है ए बी सी और डी सबकी भुजा कितनी बेटा 15 मीटर, इसकी भुजा कितनी है 15 मीटर, इसकी भी भुजा कितनी है 15 मीटर, इसकी भुजा कितनी है 15 मीटर, ठीक है बाबू। उसके बाद क्या कह रहा, मैदान के कोनों पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है बाबू यहाँ पे मान लिए एक खूंटा लगा है कोने पे और इसमें क्या किया गया है 5 मीटर लंबी रस्सी, बेटा 5 मीटर लंबी रस्सी से यहाँ पे एक घोड़े को लगाम दे दिया गया। अब घोड़ा कैसा होता है तुम लोग समझना, हम ऐसे बना दे रहे हैं, घोड़ा तो लग नहीं रहा लेकिन दौड़ेगा बहुत तेज, ठीक है बांध दिया गया है। तो आकृति देख लीजिए बेटा, मैदान के पहला दिया मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो बेटा जब घोड़ा घास चरेगा तो कितना बहुत चरेगा, तो इसका जहां तक जाएगा उतने दूर चर सकेगा घोड़ा घास, तो बेटा इसकी त्रिज्या हो जाएगी आर हो जाएगा यह 5 सेंटीमीटर, ठीक है तो आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।
अब बाबू आर 5 सेंटीमीटर हो गया, ये देखो वर्ग है तो वर्ग का कोना 90 अंश होता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, तो घोड़ा जो घास चर सकता है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये देखो एक चतुर्थांश बनेगा, ऐसे बनाओगे पूरा वृत्त बन जाएगा, ऐसे बनाओगे पूरा ये वृत्त बन जाएगा, तो यह है किसका चतुर्थांश है। ठीक है बेटा, तो घोड़े द्वारा घास चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो बेटा चतुर्थांश भी लगा सकते हो और क्या कह सकते हो इसको, एक त्रिज्यखंड भी कह सकते हो। ठीक है, तो त्रिज्यखंड नहीं कहोगे, चतुर्थांश ही सही है बेटा। क्या होगा बेटा, यह एक चतुर्थांश बन रहा है ना, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। अब पाई का मान 22/7 है, आर स्क्वायर, आर कितना बेटा 5 × 5 और बटे 4, तो 22 × 5 = 25 बटे 7 × 4 = 28, नहीं तो 7 × 4 कर दो, तो करोगे बेटा 11 × 2 = 22, 2 × 2 = 4, तो 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22, 5 × 7 = 27, 275/8 हो जाएगा बेटा। कितना होगा, लगभग 275/8। अब यहां से आप लोग बेटा सॉल्व कर लेना, भाग दोगे लगभग कितना आएगा तो भाग देने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो 7 × 2 = 14 होता है ना, 7 × 2 = 14, 8 नहीं होगा बेटा, 14 होगा। ठीक है, तो 275 में 8 से भाग 14 से सॉरी बेटा 14 से भाग दोगे तो कितना आएगा, लगभग 19.625 के करीब आएगा। ठीक है, 19.625 कितना बेटा मीटर था, तो मीटर स्क्वायर के करीब आएगा। हम लोग तो ऐसे कर दिए, नहीं करना चाहिए था। चलो ठीक है, ये बेटा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है बाबू कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए। बेटा ये घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी ना करके 5 मीटर और बढ़ा दिया जाए, 10 मीटर हो जाए यहां से यहां तक, तो त्रिज्या हो जाएगा 10 मीटर। तो बेटा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल वृद्धि, ये वाला भाग और ज्यादा चरेगा, मतलब इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस इसका। ठीक है बेटा, तो क्या करोगे, दूसरे वाले भाग के लिए आर बराबर लोगे 10 मीटर। ठीक है बेटा, तो चतुर्थांश का फिर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, किसका निकालोगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। पाई का मान 22/7, आर का बेटा 10 × 10 और बटे 4, तो यहां से क्या होगा देखना, 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 10, 5 × 22 × 25 = 7 और कुछ नहीं बच रहा है बेटा, तो 22 × 25 बटे हो जाएगा बेटा कितना 7 हो जाएगा। तो यहां से आप लोग निकाल लोगे वृद्धि, तो 22 × 5 = 110 और 22 × 2 = 44, 10 × 54 तो हो जाएगा बेटा 540/7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 540/7 आएगा। 7 से जब 540 में भाग दोगे तो लगभग आएगा बेटा आप लोगों का 78.5 के करीब, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब चरे जा सकने वाले भाग में वृद्धि क्या निकालेंगे बेटा, चरे जा सकने वाले वाले भाग में वृद्धि, तो क्या होगा बेटा, 78.5 − 19.625, घटा लेना बेटा जो आएगा वही क्या हो जाएगा इसका आंसर, 58.875 मीटर स्क्वायर, इतना भाग क्या होगा बेटा बढ़ जाएगा। ठीक है, 58.875 मीटर स्क्वायर, तो चले जा सकने वाले भाग में वृद्धि कितना होगा, 58.875 मीटर स्क्वायर। तो चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया खत्म, इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको मिटा रहे हैं।
ग्यारह में भी दो क्वेश्चन है, इसमें भी दो क्वेश्चन थे, सब में दो दो क्वेश्चन दे दिया। हाँ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा, पढ़ो क्वेश्चन, कौन पढ़ेगा। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, त्रिज्या 12, अब बाबू इग्रहवे का पहला है, ठीक है इग्रहवे का पहला है, क्या बोला त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। बेटा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या कर रहा है, कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। बेटा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया और एक जीवा है जिसकी लंबाई कितना है बेटा पता नहीं, क्या कर रहा है कोण यहां पे 120 अंश का बना रहा है, यह जीवा इस पर क्या कर रहा है 120 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है बेटा, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संगत वृत्त खंड बेटा ये वाला लघु वृत्त खंड हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू इतना समझ में आ गया, अब क्या दिया है कंडीशन इसका निकालना, मतलब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो आर बराबर हो गया बेटा 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हो गया 120 डिग्री। ठीक है, और क्या कह रहा बेटा पाई का मान रखना 3.14, पाई बराबर 3.14, अंडर रूट 3 का मान रखना 1.73, ये दिया ना बेटा 1.73, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, त्रिज खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, तो लघु लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज खंड का क्षेत्रफल, त्रिज खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज का बेटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये सब आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, ये सब पता होना चाहिए सबका फार्मूला। ठीक है बेटा, तो थीटा का मान है 120 अंश बटे 360। ठीक है बाबू, पाई का मान 3.14 बोला है, खुद कहा है पाई का मान 3.14 रखना है, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू बेटा है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया है बेटा, तो आर की वैल्यू कितना रखेंगे 12 रखेंगे। ठीक है, हो जाएगा ये आर स्क्वायर है तो 12 × 12 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, यहाँ पे भी 12 × 12 और साइन 120 अंश। ठीक है बाबू, तो साइन देखो 0 0 बार 36, 3 × 12 हो जाएगा बेटा 3.14 × 12 = 48 माइनस 2 × 12 6 हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 6 × 12 बाबू साइन 120, देखना साइन 120, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 + 30, तो साइन 90 + 30 साइन 90 + थीटा कॉस थीटा हो जाएगा बेटा कॉस 30, कॉस 30 का मान √3/2, तो यहां पे हो जाएगा बेटा इसका मान √3/2। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग, चलो अब बाबू इसको जब यहां से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 × 12 तो हो जाएगा 3.14 × 48 माइनस 6 × 36 कड़ी में 3 का मान बेटा 1.73। आ जाओ यहां पे बेटा सबका गुणा करोगे, 3 कितना दिया है बेटा 1.48 करोगे बेटा लगभग आएगा 150.72, गुणा भाग कर लेना आप लोग 150.72 माइनस 36 गुड़े क्या करेंगे बेटा 1.73 हो जाएगा 62.28 कितना होगा बेटा 62.28। अब घटा लो बेटा एक उधार 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 6 बचा 6 में से 2 गया 4 दशमलव बेटा, और यहाँ पे एक उधार 10 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे कितना बचा यहाँ पे 4 बचा, एक उधार 14 14 में से 6 गया 8 88.44 कुछ आएगा बेटा, क्या था क्षेत्रफल था, तो क्षेत्रफल क्या होगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का हो गया आंसर। दूसरा क्या कह रहा बेटा, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त के उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संगत त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना बेटा 60 अंश हो। अब बाबू यहाँ पे 120 ना कहके कह दिया, उसका ज्ञात कीजिए जिसका संगत त्रिज्यखंड कितना बेटा कोण कितना 60, ए थीटा बराबर दे दिया 60, तो मतलब ए कुछ वृत्तखंड ए वाला बन जाएगा, तो इसका निकालना आप लोगों को, तो क्या होगा दूसरे के लिए आर बराबर तो 12 सेंटीमीटर ही रहेगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है बाबू, तो वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल पूछा है इसमें भी,
संगत त्रिज्यखंड का कोण, ठीक है बेटा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे लाल, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना बाबू, थीटा का मान है 60 अंश, तो 60 हो जाएगा, नहीं माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा बेटा, 60 बटे 360, पाई का मान 3.14 बोला है ना, 3.14, और ठीक है आर स्क्वायर मतलब 12 गुड़े 12 माइनस 1 बटे 2 12 गुड़े 12 हो जाएगा बेटा गुड़े साइन 60 अंश, ठीक है। तो 0.036 हो जाएगा बेटा 6 गुड़े 3.14 और 6 नहीं 1 बटे 6 होगा ना, एक मिनट, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 3.14 गुड़े 24 माइनस इसको काट दे बेटा 2 छक 12, 6 गुड़े 12 और गुड़े साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2, ये हो जाएगा बेटा 6। तो कितना, 3.14 गुड़े 24 माइनस बेटा 6×6=36 करेंगे 3 का मान 1.73, तो 24 गुड़े 3.14 करोगे बेटा तो 75.36 आ जाएगा, 75.36 माइनस 36 गुड़े 1.73, यहाँ पे किए थे बेटा 62.28, कितना आएगा 62.28। अब बेटा इसमें से 62.28 को घटा दोगे तो 13.08 के करीब आएगा, 13.08 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 भी नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बेटा 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको मिटाएं। फार्मूला अगर आप लोग कल वाले वीडियो में देखे होंगे सब, तो एक एक फार्मूला वहां पे बताए हैं बेटा, और फिर कोई क्वेश्चन बताने की जरूरत ही नहीं, इतने मतलब बेसिक तरीके से आप लोगों को बताए फार्मूला कि हर एक क्वेश्चन आप लोग खुद करते चले जाओगे, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, पहले चाप की लंबाई निकालना है, ठीक है बेटा। तो आर बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर, आर बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया है बेटा कितना 60 अंश, थीटा दिया है 60 अंश बेटा, एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, आर जो है बेटा 21 है, ठीक है। तो ऐसे क्या कर रहा है, एक चाप है जो केंद्र पे 60 अंश का कोण बना रहा है, कितने का 60 अंश का। तो पहला बोला बेटा चाप की लंबाई निकालनी है, पहला निकालना बाबू चाप की लंबाई, ठीक है। दूसरा क्या निकालना बेटा, दूसरा निकालना चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तीसरा क्या पूछा है बाबू, तीसरा बोला संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो तीसरा क्या निकालना है, वृत्तखंड का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो पहला चाप की लंबाई क्या निकालेंगे, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई बेटा कोई कंडीशन फॉलो मतलब कंडीशन दिया नहीं थी, पाई हुई कमान सब, चलो चाप की लंबाई होता है बेटा थीटा बटे 360 इंटू 2πr, हो जाएगा बेटा थीटा का मान 60 है, 60 बटे 360 इंटू 2πr का मान 22/7, r का मान बेटा 21, 0.036 और 2×3=6, 7×3=21, 3×3 खत्म। चाप की लंबाई आएगा बेटा 22 सेंटीमीटर, कितना आएगा 22 सेंटीमीटर। दूसरा बोला बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दूसरा क्या बोला है बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता बाबू, होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 60 बटे 360, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना बेटा 21 है, हो जाएगा 21 गुड़े 21 बेटा, 0 कैंसिल, 6×36 और 7×3=21, 3×2=6 और 2×1=22, आ जाएगी 11×21, 11 का 1 में गुणा करेंगे 11 कम 11, 11×2=22, कितना होगा लगभग बेटा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब आएगा इसका क्षेत्रफल।
तीसरा क्या बोला बेटा, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, यही वाला भाग होगा, तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा त्रिज खंड का, त्रिज खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। त्रिज खंड का क्षेत्रफल आया है कितना, 231, तो फिर निकालने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है बेटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो चलो यहाँ पे करोगे बेटा, यहाँ पे ये 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 21 × 21 और साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 60 हो जाएगा बेटा, थीटा बराबर 60 दिया है ना, देखो तो 231, तो 231 माइनस बेटा 1/2 गुड़े 21 सही, 441 गुड़े अंडर रूट 3/2, तो 231 माइनस बेटा ये कितना हो जाएगा, बटे में 4 होगा, 2 × 2 = 4 और 441 गुड़े कैंडी में 3 का मान 1.732, तो 231 माइनस 441 गुड़े 1.732 करोगे बेटा कितना आएगा, 763.812 आ जाएगा बेटा, 763.812 बटे 4, 231 माइनस, इसमें क्या करना बेटा 4 से भाग दे देना, जो आएगा वही आंसर नहीं होगा, उसको इसमें से घटाना पड़ेगा, तो आएगा 190.95, 190.95 के करीब आएगा बेटा, और जब घटाओगे तो लगभग 40.05 आ जाएगा इसका आंसर, 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा अगर हम गुणा भाग करेंगे यहाँ पे तो वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा, और गुणा भाग आप लोगों को हिंट मिल गया, इतना आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो आप लोग इसको नोट करो क्वेश्चन नंबर 12 को, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 को फिर इसके बाद लगाते हैं, लेकिन उसके पहले इसको आप लोग नोट कर लो। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, इसको पहले लगा लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 को, मतलब मिटा देते हैं, फिर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बेटा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर संपूर्ण अंतरित करती है। बेटा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले r बराबर दिया है, r बराबर 10 सेंटीमीटर, कोई वृत्त है बेटा जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ये त्रिज्या क्या हो गया 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और कोई जीवा है जो केंद्र पर क्या कर रहा है, संपूर्ण अंतरित, ये जीवा होगा बेटा ये वाला, केंद्र पर थीटा बराबर बना दे रहा है 90 अंश, ठीक है, यही बोला है। उसके बाद क्या बोल रहा है, संपूर्ण अंतरित करती, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, सब निकालना है बेटा। पाई का मान 3.14 रखना है, पाई बराबर 3.14, थीटा बराबर हो गया बेटा 90 अंश, क्योंकि संपूर्ण अंतरित बोल दिया है। तो पहला निकालना संगत लघु वृत्तखंड, क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड, तो उसके लिए बेटा संगत लघु त्रिज्यखंड का निकालना पड़ेगा, पहला पूछा बेटा लघु वृत्तखंड, ठीक है वृत्तखंड, और दूसरा क्या पूछा है मेरे लाल, दूसरा कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड, दूसरा बोल रहा है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है बाबू, तीसरा बोल रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, इन सबका क्या निकालना बाबू, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलो आ जाओ, पहला लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड के लिए बाबू पहले हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं, ठीक है बाबू, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है हो जाएगा, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो कितना होगा, थीटा का मान 90 बटे 360, पाई का मान बोला बेटा 3.14 और आर स्क्वायर मतलब 10 × 10, तो बेटा 0.09 = 36, 4 हो जाएगा बाबू, हो जाएगा 3.14 × 10^100 बटे बेटा 4। तो देखो यहां से क्या करेंगे हम, 00 हटाएंगे, दशमलव हट जाएगा, तो 314/4, 314 में 4 से भाग देंगे, 4 = 28, 3 बचा बेटा 34, 4 =
32, दो बचा बेटा 4 5 20, 78.5 के करीब लगभग आएगा। ठीक है बाबू, अब निकालते हैं कितना निकल गया। ये हमारा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, हाँ ये इंपॉर्टेंट था, अब इससे हमारा काम हो जाएगा। पहला लघु वृत्तखंड, पहला बेटा बोला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होगा बेटा इसके लिए, त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, लघु त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है 78.5 और माइनस बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 78.5 माइनस 1/2 आर है बेटा 10 × 10 और साइन थीटा का मान कितना है 90, हो जाएगा साइन 90। ठीक है, और या ऐसे भी बेटा समकोण है तो वैसे भी निकल सकता था, चलो कोई बात नहीं। 78.5 माइनस 1/2 और बेटा काट दो, नहीं तो 2 × 5 = 10, हाँ काटोगे 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50 गुणे साइन 90 का मान 1। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 78 में से 50 जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा इसका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस बेटा क्या कर देंगे, इसका मान निकाल लेंगे। तो दीर्घ वृत्तखंड का, वृत्तखंड का दूसरा है बेटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पूरे में से क्या करेंगे बेटा इतने को घटा देंगे, दीर्घ का बच जाएगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5, पाई का मान 3.14 और आर बेटा 10 × 10 माइनस 28.5। तो बेटा 10 × 10 = 100, 3.14 × 100 माइनस 28.5, तो बेटा हो जाएगा 314 माइनस 28.5। अब बेटा क्या करना है आप लोगों को, 314 में से 28.5 घटाना है, हो जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा संगत दीर्घ त्रिज वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तीसरा क्या पूछा, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, मतलब बाबू इस वाले भाग को छोड़ के ये वाला भाग जो बचा है इसका, तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर देंगे। ठीक है बेटा, तो चलो ठीक है बेटा, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं, देखो 314 आया ना बेटा, तो चलो कर लो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें बेटा 78.5 माइनस 78.5, पाई का मान 3.14 बोला है बेटा आर 10 × 10 माइनस 78.5, तो बेटा हो जाएगा 3.14 × 10 = 100 78.5 हो जाएगा 314 माइनस 78.5 बेटा 314 में से कितना घटाओगे, 78.5 घटा दोगे, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, निकल जाएगा ना, और घटा दो लगभग कितना आएगा, घटाओ 314 है बेटा, तो 314.0 कर दो और 78.5 78 ही आया था ना बेटा, घटाओ एक उधर 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 10 बेटा 13 में से 5 8 गया 8 5 13 5 हो जाएगा, एक उधार यहाँ पे 0 बचा है बेटा, एक उधार 10 से 7 गया 3, तो 235.5 आएगा बेटा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा इसका क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 235.5। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है।
ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। मिटाएं इसको बेटा। चलो इसको मिटा रहे हैं। यदि मस्त समझ में आया ना, कोई दिक्कत हो तो बिंदास कमेंट करना बेटा, एक एक क्वेश्चन आप लोगों का एकदम क्लियर कर देंगे, ठीक है। आ जाओ 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोण क्रमशः 120 और 40 है। इन दोनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल तथा साथ ही संगत चापों की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा दो वृत्त हैं, देखना एक वृत्त यह है और एक वृत्त यह है, समझ लेना एक वृत्त यह है और एक वृत्त यह है। वृत्त बने या ना बने मान लेना कि वृत्त है, ठीक है बाबू। पहले का 7 सेंटीमीटर, दूसरे का 21 दिया है। यहाँ पे बेटा एक त्रिज्या है इसकी, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कर रहा है बेटा, यह केंद्र पर 120 और 40 का कोण अंतरित कर रहा है। यह केंद्र पर क्या कर रहा है बेटा, 120 अंश का कोण अंतरित कर रहा है, मतलब 120 ऐसे कुछ बनाएगा, 120 त्रिज्यखंड ही है ना, क्या जरूरत है 120। और बेटा यहाँ पे जो त्रिज्या है इसकी लंबाई कितनी है 21 सेंटीमीटर, ये क्या कर रहा है केंद्र पर 40 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है बाबू। तो R1 और R2 मान लेना, ठीक है। R1 बराबर पहले वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, थीटा 1 बराबर 120, R2 बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा 2 बराबर 40 डिग्री, ठीक है। अब क्या कह रहा बाबू, दोनों त्रिज्यखंडों तथा क्षेत्रफल, त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल तथा साथ संगत चापों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले वृत्त का त्रिज्यखंड निकाल लो, दूसरे वृत्त का त्रिज्यखंड निकाल लो, ठीक है बेटा। तो पहले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, क्या होगा देखना। पहले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब निकालोगे बेटा तो क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना बेटा, 120 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7 बेटा 00, 12 × 36, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 7 = 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहु पहले वृत्त की चाप की लंबाई, पहले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगा बेटा, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, यही होता है चाप की लंबाई। तो थीटा का मान 120 बटे 360, 2 पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान कितना बेटा 7 है, 7 से 7 कैंसिल, 120 × 360 तो कितना हो जाएगा, 22 × 44 बटे 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आगे, दूसरा क्या कह रहा है बाबू, दूसरे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, दूसरे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, हो जाएगा थीटा बटे, यहाँ पे बेटा थीटा वन कर लेना, आर वन कर लेना, ठीक है, थीटा वन और आर वन, यहाँ पे थीटा टू कर लेना, थीटा बटे 360, ठीक है 360, ये और पाई आर टू का स्क्वायर, थीटा टू कितना बेटा 40 बटे 360, ठीक है बाबू। और पाई का मान 22 बटे 7, आर 21 × 21 हो जाएगा बेटा, 00 × 4 = 36 हो जाएगा, और 7 × 3 = 21, 3 × 3 = 9 और 3 × 7 = 21, 22 × 7 = 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई निकालेंगे बेटा, ये जो चाप है इसकी लंबाई, पहले का तो निकल गया है 44 बटे कुछ आया है 3, तो दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई क्या लिख सकते हैं बेटा, दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगा बेटा, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा कितना बाबू, थीटा 2 कर देना, आर 2 कर देना, 40 बटे 360 इंटू 2, पाई का मान 22 बटे 7, आर 2 कितना बेटा, आर 2 है 21, ठीक है, इससे कैंसिल, 4 × 9 = 36, 7 × 3 = 21 बेटा और 3 × 3 = 9,
बाईस दूनी चौवालीस बटे तीन सेंटीमीटर। इसका हो गया क्या होगा बेटा, दोनों की अगर दो वृत्तों की चाप की लंबाई बराबर है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका क्षेत्रफल भी बराबर हो, क्योंकि इसका 144 बटे 3 आया, इसका 154 आया है, लेकिन दोनों के चाप की लंबाई क्या आया है, सेम आया है। ठीक है बाबू, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना कर लोगे बाबू। चलो क्वेश्चन नंबर हो गया 14 भी खत्म, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। लगाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 15 को, आया समझ में? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा। आ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 कह रहा है बेटा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के 120 कोण वाले त्रिज्यखंड और उसके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के वाले त्रिज्यखंड संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बेटा एक दिया है, वृत्त दिया है, ऐसे कुछ भी होगा, उसकी त्रिज्या कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दिया बेटा 21 सेंटीमीटर। अब बाबू इसके द्वारा एक मतलब कुछ बन रहा है वृत्तखंड, तो संगत त्रिज्यखंड का पूछा है ना, क्या बोला बेटा, संगत त्रिज्यखंड का मतलब दीर्घ और लघु दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या बोला एक मिनट बेटा, उसके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अंतर, मतलब त्रिज्यखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो बेटा ये पूरा त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का अंतर निकालना, ठीक है, पहले ये निकालना है, फिर क्या करना बाबू, दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना, उसके बाद उसमें से इसको घटा देना। कोण कितना बना रहा बेटा, थीटा बराबर 120 अंश, तो थीटा बराबर हो जाएगा बेटा 120 अंश। आर बराबर 21 सेंटीमीटर, आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 120 अंश, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है बेटा, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बेटा, लघु त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 120 बटे 360, पाई का मान बेटा 22 बटे 7, कुछ बोला नहीं ना, आर स्क्वायर 21 गुणे 21, इससे तीन बार जाएगा बेटा, 7 3 21, 3 से 3 कैंसिल, तो हो जाएगा बेटा कितना, 22 गुणे 21, 21 22 एकम 22, 22 गुणे 44 दो 46, यही होगा ना 462 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब कुछ आएगा। अब बाबू निकाल लो इसका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, तो दीर्घ वृत्त खंड दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है बेटा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लघु त्रिज्यखंड का बेटा 462, तो पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 21 गुणे 21 माइनस 462, तो 7 3 21, तो हो जाएगा बेटा कितना, 21 3 63, 22 गुणे 63 माइनस 462, तो हो जाएगा बेटा 22 3 66, 22 6 132 और 6 138, ठीक है, 1386 माइनस 462, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 6 गया 2 और एक यहाँ पे 13 में से 4 गया 9 4 13, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अंतर निकालना बेटा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अंतर हो जाएगा बेटा 924 और माइनस कितना बेटा, 924 आया है माइनस 462, यही होगा बेटा अंतर पूछा था ना, क्या बोला है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए बेटा, ठीक है, तो 924 कर दो बेटा माइनस 462 कर देना, आंसर कितना दिया एक मिनट, 15वां है, 462 दिया है बेटा, एक ही दिया है इसी में, ठीक है, अंतर पूछा ना बेटा, दोनों त्रिज्यखंड का अंतर पूछा है, तो 924 माइनस 462 करना पड़ेगा तभी होगा, 4 में से 2 गया 2, एक उधर 12 में से 6 गया 6, 8 में 4 में से 4 गया 4, 462 अंतर आएगा दोनों का बेटा, 462 ही आएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर।
उम्मीद कर रहे हैं अभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको भी नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। पहले इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो चलो हम मिटा रहे हैं इसको बेटा, इसको मिटा दे रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। आ जाओ लिखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा, इसको भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो चलो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, लघु और दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। आर बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू, और थीटा बराबर कितना दिया है, 100 कहाँ गया बेटा, 60 अंश, 60 अंश का। अब बेटा लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो निकाल लोगे आप लोग, कैसे निकालोगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कंडीशन है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, कंडीशन क्या है, पाई का मान 3.14, कड़ी में तीर का मान 1.73, पाई का मान 3.14 और कड़ी में तीर का मान 1.73, तो बेटा क्या हो जाएगा, यह होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड का होता थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज का होता है बेटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, थीटा का मान है 60, तो 60/360, ठीक है बेटा। पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर, आर है बेटा 15 × 15, 1/2 15 × 15 sin 60 अंश, ठीक है बेटा। तो काटोगे 0 0 6 6 36 और 2 3 6 5 3 15, हो जाएगा 3.14 × 15 = 75 बटे बेटा 2, और यहां से करोगे बाबू 1/2 15 15 225 गुड़े करड़ी में 3/2, ठीक है। तो 3.14 में 75 का गुणा करोगे, लगभग आएगा बेटा 235.5, ठीक है, 235.5/2 माइनस इसके बटे 4 हो जाएगा बेटा, और ये होगा 225 गुणे करड़ी में 3 का मान 1.73 हो जाएगा बेटा। तो 235.5 में जब बेटा क्या करोगे, 2 से भाग दोगे तो लगभग आएगा 117.75, ठीक है, 117.75। अब बेटा इसका और इसका आप लोग गुणा करना, गुणा करने आता होगा 389.25 के करीब आएगा, 389.25/4, ठीक है। 117.75 389 में बेटा 400 भाग दोगे तो लगभग आएगा 97.31, 97.31 घटाओगे आएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। बहुत गर्मी हो रही है, क्या कह रहा आगे, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु खंड का क्षेत्रफल होता है ना बेटा, का क्षेत्रफल, ठीक है। पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे, ऐसा क्वेश्चन बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा। क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लघु वृत्त खंड का बेटा 20.44, पाई का मान 3.14 गुड़े 15 × 15 माइनस 20.44, तो बेटा 15 × 15 = 225 यही होता है ना। तो 3.14 × 15 × 15 = 225 माइनस 20.44। अब बेटा 25 का गुणा 225 का गुणा करो बेटा 3.14 में, तो आएगा 706.9 के करीब कुछ आएगा, 706.9 माइनस 20.44, घटा के जल्दी से कमेंट करो कितना आंसर आएगा, 686.06, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बेटा इसका आंसर। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह पूरा 16 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे समझ में आया होगा, और जितने बच्चे हैं अभी, क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं बेटा, लगभग 24 क्वेश्चन हैं और सब बड़े बड़े हैं, तो अभी इस वीडियो में तो खत्म हो नहीं सकता, तो उसको अगले वीडियो में करवा देंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराइए।
और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।